इसका नाम होगा नोकिया 8। हाँ, लेकिन इसका अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है अगर माई स्मार्ट प्राइस वेबसाइट की माने तो। इनकी वेबसाइट पर मेंशन है 31 मार्च 2017 को ये फोन लॉन्च होगा। हाँ, हालांकि अभी ये नहीं पता ये कितनी कंट्रीज में लॉन्च होगा। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फोन की डिस्प्ले 5.7 इंच QHD डिस्प्ले होगा 6GB की रैम के साथ में, और साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा, और इस फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। अब बात करते हैं ये किस एंड्रॉइड वर्जन में काम करेगा। ये 7.0 एंड्रॉइड पर काम करेगा। अब बात करते हैं इसकी कैमरा की। 24MP का रियर कैमरा दिया गया है ड्यूल टोन LED फ्लैश के साथ में, और फ्रंट फेसिंग कैमरा इसका 12 मेगापिक्सल का है। अगर इसके कैमरा क्वालिटी की माने तो नोकिया शुरू से ही भरोसेमंद रहा है। पिक्चर क्वालिटी डिसेंट होगी यहाँ तक मुझे लगता है। बाकी फोन मार्केट में आएगा उसके बाद देखते हैं, चेक करेंगे इसे, उसके बाद में उसका एक रिव्यू आपको दूंगा। प्रोसेसर 2.4 GHz ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर एंड 6GB रैम। इसकी इंटरनल मेमोरी 64GB की होगी, जिसे माइक्रो SD कार्ड के साथ एक्सपेंडेड भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं लास्ट इसकी बैटरी के बारे में। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो 5.7 इंचेस यानी कि 5.5 इंच से थोड़ा सा बड़ा होगा। हाँ, अगर डिस्प्ले बड़ी है तो बैटरी कंजप्शन भी ज्यादा होगा। यहाँ पर बैटरी में थोड़ा सा लूज पॉइंट हो सकता है जो कि 3300 mAh की बैटरी इसके अंदर फिट की गई है। साथ ही साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये पूरा मेटल में बना हुआ है। प्रीमियम लुक है, आप देख सकते हैं। लुक वाइज तो ये किलर फोन लग रहा है। मार्केट में हो सकता है दोबारा से अच्छी वापसी करें। अब इसकी आखिरी इंपोर्टेंस की बात करते हैं, जो कि है प्राइस के बारे में। इसका प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 34,000 या 35,000 के आसपास का ये फोन होगा। हालांकि अभी ऑफिशियली कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है नोकिया की तरफ से, लेकिन यह वीडियो रिलीज हो चुका है जो कि नोकिया की तरफ से ही है। बाकी इसकी कोई पक्की इन्फॉर्मेशन या डेट अभी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन के तहत मैं बता रहा हूँ आपको। ये फोन एक्सपेक्ट